नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो वड़कम मैं ऋचा डिवाइन विशाखा पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस सो फ्रेंड्स आई एम हियर विद अ न्यू रीडिंग सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स का और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है फैमिली में स्वागत है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर बीइंग डिवाइनली प्रोटेक्टेड ओके जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं ओके एंड मेरी यही जो आप लोग दुआएं करते हो मेरे लिए जो ब्लेसिंग्स करते हो मेरे लिए एंड इतने लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं मेरे लिए बहुत मायने रखता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच एंड जो ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो ब्लेसिंग्स वो टेन फोल्ड आपके पास आए यही मेरी विश है आप सबके लिए कामना है ओके सो अगर अभी तक आप इस फैमिली के ऐसा नहीं बने हो फ्रेंड्स तो हम सब फैमिली कहते नहीं हैं फैमिली की तरह निभाते भी हैं तो आइए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए सो ज़रूर आप सबका स्वागत है इस फैमिली में डिवाइन विजन आर्डी फैमिली में और चलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब या चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है यानी कि लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस ओके तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर वो हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग रीडिंग होने वाली है तो कहीं जाएगा बाद जैसे मैं कहती हूँ गेट यू टी कॉफी जूस रेडी आई सी टू द वेरी एंड ऑफ द वीडियो ओके सो सो फ्रेंड्स एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर क्योंकि लाइक करने से जो है अगर आप जब भी आप वीडियो लाइक करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है जो आप क्लेम कर रहे हो वीडियो को ठीक है तो आप शेयर कर रहे हो तो यू स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड स्प्रेडिंग द लव ओके विद पीपल ओके आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप इस फैमिली कैसा बन रहे हो जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड फैमिली है राइट सो गो अहेड एंड स्प्रेड ऑल द लव अवेयरनेस एंड क्लेम द वीडियो ठीक है क्लेम द रीडिंग राइट सो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो जब भी आपको वीडियो अच्छा लगे रेजोनेट कर पा रहे हो तो लाइक करके आप वीडियो को क्लेम कर सकते हो रीडिंग को ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स ठीक है ऑल राइट सो वी हैव थ्री पाइल्स ओवर हियर और जो लोग मैरिड हैं वो लोग देख सकते हैं उनके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से लव लेटर राइट आप उनकी तरफ से देख सकते हो ओके सो ऑल राइट लेट्स गेट स्टार्टेड आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड ओके लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव फॉर सिलेक्शन इज श्री कृष्णा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जी एक्सक्यूज मी फॉर माय बैड सिंगिंग बट इट्स नाइस आई लव दिस लाइन दीज लाइन्स या ओके सो ऑलराइट ये श्री कृष्ण पाइल वन इज श्री कृष्ण ओके पाइल टू इज माय फेवरेट अर्धनरेश्वर पाइल टू इज अर्धनरेश्वर ओके दिस इज पाइल वन श्री कृष्ण पाइल टू अर्धनरेश्वर या एंड पाइल थ्री इज दुर्गा देवी माँ दुर्गा देवी या दिस इज पाइल थ्री ओके सो क्लोज योर आईज टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स की तरफ से कुरान से किसी पल की तरफ आपको ले जाएं डायरेक्ट करें ओम नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बहुत क्या सुकून मिलता है ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके आई होप आपको सुनकर भी सुकून मिलता होगा ओम नमः शिवाय चैंटिंग
जी, इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो, अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग. एंड फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट प्रेजेंट इज विद यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, सो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ओके, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जीज कैच करती हैं. ठीक है, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद पाइल नंबर वन, विच इज श्री कृष्णा. ओके, चलिए लेट्स सी. किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स. ओके, ऑल राइट, आई एम गोइंग टू पिक सम चैनल लव मैसेजेस from the deck also. Yeah. Okay. So pile one kilo into future spouse ki taraf se channel love messages kya hai? Pile one ki future spouse ki taraf se unki the channel love messages kya hai? Pile one ki future spouse ki taraf se pile one ki the love messages kya hai? पाइल टू के लिए देख लेंगे बाद में, बाकी पाइल्स के लिए भी. ओके, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट. ये मैसेजेस आपको पता चलेंगे मैप में. सो पाइल वन, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बोलूँगी ही या शी उसमें, और आप अपने जेंडर के हिसाब से स्विच कर सकते हो, ही में या शी में आप स्विच कर सकते हो. ठीक है, ओके. और ये टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. ओके, चलिए. मैं जानता हूँ कि तुमने सच्चे प्यार का बहुत इंतज़ार किया है. तुमने ऐसे शख्स का बहुत इंतज़ार किया है जो तुम्हें इतना चाहे, इतना मोहब्बत करे तुमसे कि एवरी ब्रोकन पार्ट ऑफ यू गेट्स हील्ड मैजिकली, कि तुम्हारा वो जख्मी हुआ दिल का हर हिस्सा उस पे मरहम लग जाए. तुम बहुत इमोशनल हो, तुमने बहुत दर्द देखा है, प्यार ने तुम्हारे साथ बहुत लुका छिपी खेली है. कभी तुमने प्यार को चेज किया, कभी तुम्हें किसी ने चेज किया, पर वो मुकम्मल नहीं हो पाई मोहब्बत. क्यों? अरे भाई, क्योंकि वेरी आला था तुम्हारी लाइफ में. क्योंकि जो अटूट प्यार करने वाला होता है उसको रब हमारे लिए बचा के रखता है. जो हमारी किस्मत में लिखा होता है उसको कोई हमसे नहीं छीन सकता. मुझे पता है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा तुम थोड़ा हेजिटेट करोगी, थोड़ा झिझकोगी, गार्डेड हो जाओगी. हो सकता है तो मुझे इतने आसानी से अपनी लाइफ में आने ही ना दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे जो प्यार में जो एक्सपीरियंस रहा रिलेशनशिप में
पास्ट में लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने में, तुम्हारी दयालुपन का फायदा उठाने में। लोगों ने बस एक ऑब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी बट मुझे चैनल है सब कुछ, लोगों ने ऑब्जेक्ट की तरह जितना यूटिलाइज कर सकते थे उसके पैसे को, उसके दयालुपन को, उससे हेल्प मांग सकते थे, उतना लोगों ने किया। बट वो ये बात नहीं जानते कि तुम ऑब्जेक्ट नहीं, जिससे वो उसके प्रिटी फेस, अच्छी पर्सनालिटी या उसके पैसे से यूटिलाइज कर सके। तुम तो क्वीन हो, तुम क्वीन हो। पहली बार जब तुम्हें देखा ना, मुझे तभी तुम क्वीन लगी थी। एक बहुत ही साफ दिल की, नर्म दिल की शख्सियत, जिसे बच्चों की सी मासूमियत है, लोगों को माफ करने में देर नहीं लगाती, अपनी चीजों को लेके लेकिन प्रोटेक्टिव है, गार्डेड है थोड़ी पजेसिव भी हो जाती है अपनी चीजों को लेके, लोग पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती है, मेहनत बहुत करती है लेकिन लोग उसकी क्रेडिट ले जाते हैं मेहनत का। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, यू नो, तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। पहली बार जब तुम्हें देखा तो तुम्हारी फोटो देखी थी बस, और मुझे लगा तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आने चाहिए, कोई गिफ्ट लेकर आना चाहिए। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी पहली मुलाकात में आपको कुछ फ्लावर्स या कुछ गिफ्ट दें, छोटा सा कुछ आपको ऑफर करें, फ्लावर्स वगैरह। ओके, तुम जिसमें बिलीव करती हो उसके लिए लड़ जाती हो। मुझे तुम्हारे अंदर वो फायरी टाइग्रेस बहुत अच्छी लगती है। कहाँ किसी से कम हो तुम, क्वीन हो तुम, टाइग्रेस हो तुम, थ्रोन पे बैठी दिखती हो मुझे तो तुम। गधा ही होगा वो जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता होगा, अंधे हैं वो लोग भाई, अंधे, दे आर ब्लाइंड टू योर वर्च्यूज, टू द रेनबो, द राइट ऑफ कलर्स दैट यू आर। जैसे प्यार की तुमने कामना की थी ना, रोमांटिक मोमेंट्स कि कोई तुम्हें सिरनेड करे, कोई तुम्हें पीछे पढ़ पढ़ के प्यार करे, यू नो, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी केयर करे, वेल एस्टैब्लिश्ड हो लेकिन तुम्हारी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करे, तैयार हो जाओ, मिलने वाला है ऐसा शख्स तुम्हें। और फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए ये इंसान को आप हो सकते हो ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपके मन में कोई पर्सन चल रहे हैं तो मुबारक हो सकता है 40%, I don't know how much percent, don't ask me percentage, I'm really all of the emotions right now. So, हो सकता है कि उनसे ही आपकी शादी हो, मुझे चैनल मैसेज आया अभी। ओके, सो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में चेजिंग का गेम चला, रनर एंड चेजर का गेम चला, तुमसे दूर होने में, मैं तुमसे दूर हो गया था
ये उन लोगों के लिए जिनके मन में जो पर्सन चल रहे हैं, और उस दूरी ने, उस डिस्टेंस ने मुझे तुम्हारी कमी का, तुम्हारी खूबियों का, तुम्हारी खासियत क्या है मेरी लाइफ में, तुम्हारी जगह क्या है मेरी लाइफ में, उसका एहसास कराया. तुम्हारे जैसे पर्सन, हाउ कैन यू लव समवन लाइक मी. तो मेरे लिए विश कम ट्रू हो वो सारी खूबियाँ तुम में, जो मैं अपनी बेटर हाफ में चाहता था या चाहती थी. मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था. एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से दूर भाग रहा था. और जब पता चला, जब ईगो टूटी बिखरी, जब पता चला कि तुम किसी और की ना हो जाओ, डर बैठ गया मन में, तो मैं भागा दौड़ा तुम्हारे पास आया. तुम्हारे लिए तो फ्यूचर बनाने के लिए गया था मैं, टू वर्क ऑन माई मनी, माई करियर, माई फाइनेंसेस, माई कॉइन्स, माई स्टेबिलिटी. बट उसमें इतना मसरूफ हो गया था, मशगूल हो गया था, कि मैं असली मकसद भूल गया कि मैं गया किसके लिए हूँ. तुम्हारे लिए. तो बी प्रिपेयर्ड. हमारे बहुत सारे कैंडल लाइट डिनर्स होने वाले हैं. हम लोग हॉलीडेज पे जाने वाले हैं. हम लोग ट्रैवल करेंगे, एडवेंचर्स पे जाएंगे, हाइकिंग, यू नो, माउंटेनियरिंग, माउंटेन्स. तुम्हें बाय द वे, तुम्हें माउंटेन्स पसंद है कि बीचेस पसंद है? आई एम रियली क्यूरियस, क्योंकि तुम जहाँ कहोगी माय क्वीन, आई एम गोइंग टू गो देयर. तैयार हो जाओ तुम्हारे लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट. आई एम गोइंग टू मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर यू. And you're going to, I always wanted a person as beautiful as you, जिसके नेक्स्ट में मैं सुबह जब उठूं तो उसका चेहरा देख कर ही मुझे लगे कि वाओ, मेरी तो लाइफ सेट है. बिकॉज तुम इतनी केयरिंग हो, इतनी लविंग हो, इतनी अच्छी इंसान हो, दूसरों को पहले रखती हो, खुद को बाद में, जो गलत बात है, पर मैं हूं ना तुम्हें पहले रखने के लिए. आई पुट यू फर्स्ट. मुझे तुम्हें एक बहुत स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, फायरी टाइग्रेस कहा ना, वो लगती हो. कॉम्पिटिटिव हो और परसिवियरेंस तो इतनी है, पैशन, जुनून तो इतना है कि एक बार तुम अपना कोई गोल सेट कर लो, लक्ष्य सेट कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई रोक नहीं सकता. जुनून बहुत है तुम्हारे अंदर. मुझे वक्त लगा तुम्हारी तरफ आने में, लेकिन हमारी हीलिंग जरूरी थी. जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो ना दूं हमेशा के लिए, तब सारे डर, डाउट, फियर, क्वेश्चंस, सबको पीछे छोड़ के मैं तुम्हारी तरफ आया. मुझे गाने सुनाई देते थे जो तुम्हारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते थे. जो सॉन्ग मैं सुनूं वो तुम्हारा मैसेज मुझ तक पहुंचाए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द हैप्पीनेस, क्योंकि जितना अंधेरा तुमने देखा है उतना उजाला तुम्हारे लाइफ में आने वाला है. ओके, so that's about it. Okay, so इसमें एक चैनल पार्ट जो था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके मन में अगर कोई पर्सन चल रहा है उनकी तरफ से मैसेज, उसमें मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनसे आपकी शादी होने के चांसेस हैं. ठीक है, so बाकी तो विधाता जानते हैं. सो ज़ोडियक साइंस यहाँ पे जो मुझे बहुत डोमिनेंट दिख रहे हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आई डोंट नो व्हाई आई सेड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आई मीन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी आए, आपके फ्यूचर स्पाउस, तो श्री कृष्ण जी का नाम लीजिए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, एंड ये पर्सन आपकी तरफ क्लेम हो जाएंगे और जल्दी आएंगे.
ओके सो चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर टू. अर्ध नरेश्वर. जी सो देखते हैं फ्यूचर लव, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर क्या है आपके लिए. पाइल टू, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वांड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स. ओके एंड सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम माय फ्यूचर स्पाउस फ्रॉम द डेक, चैनल डेक. Whatever channel of messages from the future spouse of pile 2 for pile 2. Okay. We've come in my dreams and leaving us just not to let go. So, start karte hain aapki reading. मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई स्पीक एज ए पर्सन नाउ. ओके दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप एनर्जी स्विच करके देख सकते हो. ठीक है, शुरू से ऐसा पर्सन चाहिए था जो लॉयल हो, जो तुम्हें कभी धोखा ना दे. चाहिए तो सबको होता है, लेकिन तुम लॉयल्टी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती. धोखा मिलना क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता है. तुम्हें मुझ पे भी यकीन नहीं था ना शुरू में कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा. आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर समवन हु इज एक्सट्रीमली लॉयल टू यू. हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूँ हमेशा, हमेशा तुम मेरी नजरों के सामने रहो. हमारे बीच में जो अट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है, जो यू नो वो दैट विल नेवर फेड अवे, दैट विल नेवर गो अवे. वो नहीं जाने वाला. जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तुम श्योर नहीं थी, तुम्हें लग रहा था ये बंदा सीरियस नहीं होगा मुझे लेके. सीरियस कैसे हो सकता है, ये तो फ्लर्ट है. ये कमिटमेंट दे नहीं सकता क्योंकि कुछ फिजूल के लोगों ने तुम्हें कुछ इतना भर दिया था तुम्हारे कान में मेरे लिए, कि जब एक्चुअली मैं प्रपोजल लेकर आया तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी. इतना पेन देखा है तुमने अपनी लाइफ में पास्ट में कि तुम्हारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया था. तुमने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था. तुम्हें लगा कि अब तो मुझे प्यार मिलने ही नहीं वाला, अब तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अब तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. जैसा पार्टनर पेरेंट्स चाहेंगे वैसा ही पार्टनर मुझे मिलेगा. कुछ या अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी तुम्हें ऐसे लग रहा था.
बट डिवाइन के प्लान्स के सामने किसकी चलती है? और मैं डिवाइन से बहुत खुश हूँ, मैं तुम पे फिदा हूँ और डिवाइन मुझ पे फिदा है। डेस्टिनी में हमारा यूनियन लिखा था, हमारी शादी लिखी थी। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मन्नतें मांगी हैं, भगवान से बहुत मन्नतें करी हैं, ऐसे प्यार के लिए, ऐसे रिश्ते के लिए, ऐसी शादी के लिए जैसा जिस तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें नहीं पता है, यू नो वी गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल बेबी, यू गोइंग टू बी माई ब्यूटिफुल क्वीन। आई एम गोइंग टू पैम्पर यू बट इन माई ओन वे। इतना रोमांटिक नहीं हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत कुछ रोमांटिक तरीके से, अपने तरीके से मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा, यू नो तुम्हें स्पेशल फील कराऊंगा। और ये जो फ्लर्ट वाली फीलिंग है ना, फ्लर्टीनेस है ना मेरी, वो तुम्हारे लिए रिजर्व रहेगी, वो कभी नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ 70-80s की एज तक फ्लर्ट करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। हमारी जो स्पार्क्स है ना रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो 70s-80s तक रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे, वो नहीं उड़ने वाले। ऐसा रिश्ता नहीं है हमारा, डेस्टिन्ड कनेक्शन है, डिवाइन ने हमें मिलवाया है। हो सकता है तुम्हें लगता होगा कि मैं कभी कभी प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन माय डियर, ऑल माय पैशन एंड माय हार्ट एंड इन माय वेपन इज फॉर यू। ओके, सो कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए ना हमारी लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना तुम्हारा साथ, फट्टू नहीं हूं, रीढ़ की हड्डी है बहुत इंटैक्ट, स्पाइन इंटैक्ट है, स्पाइनलेस नहीं है ये इंसान, साथ छोड़ के नहीं जाने वाला, साथ देंगे आपका। तुम बहुत इमोशनल हो मुझे पता है, लेकिन खुद को ऐसे दिखाती हूँ कि जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हो, लेकिन इमोशनल फैसले कर लेती हो। तुमने लाइफ में तुम्हारा एक, तुमने लाइफ को बहुत क्लोज, यू हैव सीन लाइफ फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, तुमने लाइफ को बहुत करीब से देखा है, लाइफ को भी और डेथ को भी। दिस विल रेजोनेट विद वेरी फ्यू पीपल। सो आई सैल्यूट योर स्ट्रेंथ, आई सैल्यूट योर डिग्निटी, आई सैल्यूट योर हाउ यू बैलेंस मैनेज योर इमोशंस, आई सैल्यूट द पर्सन दैट यू आर, एंड टू मी यू द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑन दिस अर्थ। I love your heart, mind, soul, and your body. You body a lot. So there's a lot of passion in this person for you. Okay. Everything is channeled, what I'm saying. मैं नहीं बोल रही है, ठीक है? So, जब हमारा courtship का period चल रहा था ना, marriage से पहले, मुझे ना हर उस इंसान से जलन होती थी, बहुत ईर्ष्या होती थी, like, मुझे ना अभी बहुत गुस्सा सा आ रहा है। ओके, जो तुम्हारे साथ तुम्हें डेली देख सकता था, तुमसे मिल सकता था, तुम्हारे आसपास रहते थे, उन लोगों से बहुत जलन सी होती थी मुझे, क्योंकि वो कितने लकी हैं। दे कैन सी यू एवरी डे, दे कैन बी विद यू एवरी डे, यू नो आई एम सो जेलस ऑफ दोज पीपल।
तुमने मेरे सपनों में आए, तुम मेरे सपनों में आते थे, मुझे तुम्हारे सपने आते थे, और हमारे मुश्किल वक्त में कनेक्शन में जब तुम मुझे कहती थी कि लेट गो नहीं करना, तुमने मुझे सिखाया टू बी माय बेस्ट वर्जन, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ, मेरा बेहतर सेल्फ बनने का तुमने मुझे सिखाया। और अगर तुम सेल्फ लव नहीं करती तो कैसे मैं तुम्हारी लाइफ में आ पाता? सुन रहे हो, सुन रहे हो, मैं तो कहती रहती हूँ, सुनते हो आप लोग, फॉलो करते हो, देख लो आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं, बैक टू फ्यूचर स्पाउस। ओके, तुम हो, तुम मेरा गुरूर हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरा जुनून हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, एंड अक्टूबर टू नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, फ्रॉम व्हेन एवर यू वॉच दिस रीडिंग, उस साल के अक्टूबर नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ओके ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल टू, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई सी इन अनदर वीडियो। आप अर्ध नरेश्वर भगवान जी को प्रे कीजिए कि आपका यूनियन हो, आपको वो पर्सन मिले जिनसे आपकी शादी होनी है। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा श्री जय श्री अर्ध नरेश्वर, जय श्री महाकाल, जय माँ पार्वती, ठीक है, तो आपका यूनियन क्लेम हो जाएगा, कि आपका यूनियन हो ऐसा क्लेम कर लोगे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल थ्री, हाउ आर यू गाइज डूइंग। तो जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, माँ दुर्गा देवी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर क्या है। ओके, चलिए, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, द शैरियट, हायरोफैंट, नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वांड्स, द स्टार, द वर्ल्ड एंड हर्मिट। ओके, बाय द वे सबसे ज्यादा कार्ड जिस पाइल में आए हैं, तो ये फ्यूचर स्पाउस हैज अ लॉट टू टेल यू, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मुझे तुमसे इतनी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, तुम्हारे इतने सारे इमोशंस हैं, जज्बात हैं, इतनी सारी बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है, जो तुमसे करनी है, पर मैं बहुत उकसा रहा हूँ कि बहुत आई एम बबल्ड यू नो अप एंड आई एम लाइक जंपिंग विद जॉय, आई एम लाइक आई कैन नॉट होल्ड बैक एनी मोर, मुझसे और नहीं हो रहा कि मैं और इंतज़ार करूँ, लेकिन तुम्हारा, क्योंकि मुझे बहुत सारी खूबसूरत सी बातें करनी है तुमसे। बी प्रिपेयर्ड। देखो, सबसे पहले तो जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं पास्ट की, उनको तो पीछे छोड़ के आ जाओ, नहीं तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि तुम अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को जॉय में बदल दो, क्योंकि हम लोग अटेंड करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स, पार्टीज, कॉन्सर्ट्स, एंड बहुत वाइनिंग एंड डाइनिंग करने वाले, बहुत ब्रंचेस पे, लंचेस पे मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक यू फील स्पेशल, ड्रेसेस गिफ्ट करूँगा तुमको,
एंड सरप्राइज गिफ्ट्स तुम्हें मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं लव नोट्स तुम्हें बीच में कभी फ्रिज पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे तुम्हें मिलते रहेंगे। पेपर पे भी तुम्हें स्पेशल अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके लिखता रहूँगा, ठीक है। एंड पहली मुलाकात में मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, दूसरी मुलाकात में डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाना है। और वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन इन बेड एंड इन नेचर अराउंड, वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, द स्पार्क्स विल नेवर फेड अवे इन आवर रिलेशनशिप। जो अट्रैक्शन है हमारी रिलेशनशिप में वो कभी नहीं जाएगी। और मुझे पता है तुम थोड़ी अनकन्वेंशनल हो, लेकिन विद अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन, तुम ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन तुम्हें एक हटके लाइफ चाहिए। तुम्हें एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें तुम्हें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को, इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जाए, और तुम्हें अपने पार्टनर के साथ एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम की लाइफ तुम्हें मिले, ताकि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर की कंपनी, उसके साथ ट्रैवल करना, उसके साथ इंटिमेसी, उसके साथ यू नो रोमांटिक जेस्चर्स, अपनी मर्जी से करियर को भी ध्यान देना, सब कुछ। तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए था, है ना। तो ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली है, ऐसी मैरिड लाइफ, ऐसा पार्टनर तुम्हें मिलने वाला है। देखो मैं साफ बात करता हूँ, मैं मन में कुछ नहीं रखता। अब हो सकता है कभी कभी तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं सबके साथ ही ऐसा हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है। मैं जो मन में है वही मैं साफ मुंह पे बोल लेता हूँ। कुछ लोगों को बात दिखी रखती, जैसे रहना है रहे, नहीं रहना तो लोग चले भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ माई डियर मुझे इमोशंस को बैलेंस करके चलना आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यू आर माई बेटर हाफ, यू आर माई लवली वाइफ। सो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसे, हो सकता है हमारे बीच में थोड़ी नोकझोंक बीच बीच में हो, बट दैट्स गोइंग टू एंड अप विद अ मेकअप किस एंड दैट्स गोइंग टू एंड अप विद अ लॉट ऑफ पैशन, ओके। सो एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि सात समंदर पार से आ रहे हो, तो माय डियर एंजल बिल्कुल तुम्हारी पॉजिटिविटी से मेरा स्वागत करना, तुम्हारे एंजेलिक वाइब से मेरा स्वागत करना, ठीक है। एंड यू नो वो डिसअपॉइंटमेंट्स, वो मुरझाया हुआ चेहरा मुझे नहीं देखना, मुझे तुम्हारा खिला खिला चेहरा देखना है, वो गुलाबी गाल, वो खिला खिला चेहरा, वो चमकती हुई आँखें, वो देखना है मुझे। और नहीं तो मेरे आते ही तो ये हो ही जाएगा, ये मैं तुम्हें इस बात का अश्योरेंस देता हूँ। तुम मेरे लिए एक भगवान की दी हुई ब्लेसिंग हो, ठीक है। तुम मेरे लिए भगवान की दी हुई एक ट्रू ब्लेसिंग हो। जैसे पर्सन मैंने चाही थी वैसे मुझे मिल गई, जो खूबियां मैं ढूंढ रहा था वो खूबियां मुझे मिल गई। और तैयार हो जाओ भाई, अब्रॉड ट्रैवल करेंगे हम, और कुछ लोग तो अब्रॉड सेटल होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। सो ओके, अब्रॉड सेटल होने वाली हो तुम तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। बहुत एग्जॉटिक ट्रैवल्स होने वाली हैं, बी प्रिपेयर्ड, ओके। और तुम्हारी विशेस पूरी होने वाली हैं, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, ठीक है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मैं एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता हूँ। मुझे अच्छे अच्छे मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे एनिमल्स भी अच्छे लगते हैं, हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, और पेट्स के साथ एनिमल्स में, नेचर में फ़ोटो खींचना, मुझे पार्टीज करना बहुत पसंद है मुझे, यू नो लेकिन रोमांटिक भी हूँ, तो तुम्हारे साथ इंडिपेंडेंट टाइम कैसे स्पेंड करना है, तुम्हें इम्प्रेस करना है, वू करना है, सेरेनेट करना है, तुम्हें स्पेशल फील कराना है, वो मुझे अच्छे से आता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ये जिस अंदाज में मैं सामने आऊँगा, जब मैं सामने आऊँगा तुम्हारे, तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे चेहरे का नूर और तेज देखने लायक होगा।
और अभी तुम रूठ जाओगी ना, वैसे भगवान तुम ना रूठो, लेकिन अगर तुम रूठ जाओगी ना, डोंट वरी, मुझे बनाना तुम्हें अच्छे से आता है, तुम्हारी दुखती रग मुझे पता है, तुम्हें बनाना मुझे अच्छे से आता है, तुम्हारी कमजोरी पता है, तुम्हारी ताकत भी पता है, तो आई नो यू लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. वाओ, ओके. सो ओके, तो बता, तुम जब हंसती हो ना, मुझे बहुत एक तुम जब हंसती हो तुम बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती है मुझे तुम्हारे हंसने से. ओके, सो आई डोंट नो व्हाई एम पिकिंग अप अ डिम्पल, समबडी हैज डिम्पल्स ओवर हियर, समबडी हैज कलर्ड हेयर ओवर हियर, किसी के बाल कलर्ड हैं या रेडिश हैं या कलर्ड हैं, आई डोंट नो, ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश थोड़े से बाल हैं या डिम्पल्स पड़ते हैं आपके, और काफ़ी चार्मिंग हैं आप या आपके पार्टनर तो चार्मिंग हैं ही, मुझे दिख ही रहा है, ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं आपके पार्टनर, दूसरी कंट्री से हो सकता है कि आए, अब्रॉड से हो सकता है आए आपके पार्टनर आपसे मिलने, ठीक है, ये रिश्ता जो है अब्रॉड से आ सकता है. तुम कभी कभी छोटी बच्ची बन जाती हो, कभी कभी बहुत विजडम तुम्हारे अंदर मुझे फूट फूट के निकलता है बाहर, ठीक है. तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हें पता है कि मैंने किसी से एडवाइस ली थी तुम्हें, मैं अभी प्रपोज बोलने वाली थी, ये मैरिज प्रपोज करने से पहले, ये रिश्ता आगे ले जाने से पहले मैंने किसी बड़े से सलाह ली थी, किसी से सलाह ली थी. हो सकता है पर्सन वर्गो साइन हो इनका या सितंबर बॉन्ड हो, ठीक है, ओके, अगस्त एंड या सितंबर बॉन्ड हो, ठीक है, या इनके नाम में टी या एच या आर या एम आता हो या आई आता हो, ठीक है. सो इनसे मैंने गाइडेंस ली थी और तुम्हारी फोटो दिखाई थी, उनको तुम पसंद आई, और तब मैंने सोचा कि बस अब देर नहीं करनी और इस रिश्ते को आगे ले जाना है. ओके, चलिए चैनल लव मैसेजेस भी उठा लेते हैं. व्हाट आर द चैनल लव मैसेजेस फॉर पाइल थ्री फ्रॉम द फ्यूचर स्पाउस. Okay. तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत अधूरा था और मेरे अपने कुछ इश्यूज थे, ईगो इश्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमास, सेल्फ वर्थ इश्यूज, जो मैं इजीली छुपा तो लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का कुछ ना कोई एरिया सफर करता ही था उसकी वजह से. लेकिन तुमने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमने सिखाया कि कैसे मुझे अपने इनर इश्यूज पे काम करना है, उनसे हील करना है और उनसे बाहर निकलना है. क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत, इतनी कामयाब, इतनी अच्छी दिल की इंसान, इतनी ड्रीम कम ट्रू मुझसे कैसे प्यार कर सकती है. अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कम हूँ, हाँ, लेकिन तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो. एंड मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस हर उस बार जब मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, मैंने चुकी फॉर ग्रांटेड, मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, बट ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश करी है टू गेट समवन लाइक यू इन माय लाइफ, इन माय आर्म्स. ओके, सो एंड कोशिश करते हुए मैं तुम्हारी तरफ आया एंड टुडे वी आर टुगेदर फॉरएवर. ओके, सो ज़ोडियक साइंस बता देती हूँ. कैंसर, टॉरस, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइंस बहुत डोमिनेंट हैं यहाँ पे, सारे ही साइंस प्रेजेंट हैं यहाँ पे वैसे तो, ठीक है, लेकिन वाटर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे.
लिक्विड इज बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे. तो आप माँ दुर्गा देवी जी का स्मरण करके उनका नाम लेके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, और आपका जो यूनियन है इस पर्सन से, जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, उनसे क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके, एंड ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज व्हेन यू लाइक यू क्लेम द रीडिंग, व्हेन यू शेयर यू स्प्रेड अवेयरनेस एंड लव, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. व्हेन यू सब्सक्राइब यू बिकमिंग डिवाइनली प्रोटेक्टेड, अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. सो एंड एन्जॉय द प्रिविलेजेस ऑफ दिस फैमिली, राइट, ताकि मैं जब भी लाइव स्ट्रीम्स करूँ आप मिस आउट ना कर जाओ. और अमेजिंग रीडिंग्स जो मैं लेकर आती हूँ, रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ, तो वो आप मिस आउट ना कर जाओ उसके लिए. ठीक है. सो आइए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए. हम सिर्फ फैमिली कहते नहीं हैं, हम निभाते भी हैं. ठीक है, चलिए. सो आई सी यू इन अनदर वीडियो, अनदर रीडिंग. टिल देन टेक गुड केयर. सेयोनारा.